भाई नहीं, तो उन्होंने बड़ा तंग कर दिया। हम ना राइट धर्मपुर की तरफ जा सकते हैं, ना हम इधर स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। कॉलेज वाले जो बच्चे आती हैं बेचारी, वो भी बड़ी परेशान है। रश तो रहता था ना, लेकिन ट्रैफिक चलती रहती थी। रश तो हर जगह पे रश है, जितनी लाहौर में ट्रैफिक है हर जगह पे रश है। फुटपाथ से लोग बाइक चला रहे हैं, आप देख रहे होंगे क्या मुनाजिर है वहाँ पर। वो 700 मीटर पर टर्न करेगा और फिर यहाँ से नहीं गुजरेगा, ये देखे ना बंद है। फिर वो बट समोसे वाली ताज सैन वाले रोड से गुजरता हुआ शिमला बड़ी की तरफ जाएगा। ये अगर नहीं था तो चक्कर कम पड़ता था, वो शॉर्ट था। जिस तरह का सफर होता है उस हिसाब से किराया लिया जाता है। लेडीज सवारी मिलती है, ये क्वीन मैरी कॉलेज आना, अगर मैं कप स्टोर में खड़ा हूँ तो मैं उससे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 रुपये लूँगा। वो इसलिए कि अब रास्ता बंद हो गया, जहाँ 10 मिनट का सफ़र है हमें आधा घंटा लग जाता है। ये गणेशो चौक है, थोड़ा सा मजीद आगे आएँ तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ से यूईटी की तरफ जाने वाला जो फ्लाई ओवर है, ये रास्ता भी पहले खुला होता था, बंद है। यहाँ पर भी इस वक्त वार्डन नहीं नज़र आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान है आपकी यहाँ? जी हाँ। क्या नज़र आ रहा है? ये तो खुला हुआ था पहले, बंद है। आप बता रहे हैं रिहाइश भी है, दुकान भी है, क्या मामला हैं? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? भाई नहीं, ये तो उन्होंने बड़ा तंग कर दिया है, ये जो हालात कर दिए। सामने हमारी रिहाइश है हबीबुल्ला रोड पर, वहाँ से निकल के हम ना राइट धर्मपुर की तरफ जा सकते हैं, ना हम इधर स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। सारे ब्लॉक्स लगा के उन्होंने बंद कर दिए, उन्होंने सारे हर तरफ ब्लॉक्स लगा दिए उन्होंने, तो बंदा कहीं कुछ नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हालात है। सुबह के टाइम कॉलेज वाले जो बच्चे आती हैं बेचारी, वो भी बड़ी परेशान है। यहाँ से वो इन्होंने आगे से बन्नी रोड से टर्न कर दिया है कि वहाँ से टर्न करके वापस आएँ और फिर घूम के वापस आएँ। अच्छा, ये पहले रश रहता था इधर, ठीक है, ट्रैफिक जाम रहता था। ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से यू टर्न लें, एक सीक्वेंस में जो है ना ट्रैफिक आए। तो ये तंग कैसे हुआ है? ये पहले जो रश तो रहता था ना, लेकिन ट्रैफिक चलती रहती थी। रश तो हर जगह पे रश है, जितनी लाहौर में ट्रैफिक है हर जगह पे रश है, लेकिन ट्रैफिक चलती रहती थी। लेकिन अब इन्होंने जो काम किया वो देखे ना, जो फुटपाथ से लोग बाइक चला रहे हैं, आप देख रहे होंगे क्या मुनाजिर है वहाँ पर, करके आ रहे हैं। तो ये लोगों के लिए इन्होंने जीना आराम कर दिया। पेट्रोल वैसे वो देखे ना, फ्यूल गणेशों के पुल से जो आ रहे हैं वो सीधा नहीं आ सकते यहाँ पर। अब हम यहाँ से अपने घर से हबीबुल रोड से निकलेंगे तो कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, गणेशों के पुल से जो उतरेगा, जी जी, वो यहाँ से यू टर्न लेगा बन्नी रोड से, बन्नी रोड से गणेशों के पुल से जो उतरेगा ना, उसी से शिमला पहाड़ी की तरफ जाना है, तो वो बन्नी रोड से टर्न लेगा। यानी यहाँ से बन्नी रोड तकरीबन कुछ 700 मीटर बन जाता है। वो 700 मीटर पर टर्न करेगा और फिर यहाँ से नहीं गुजरेगा, ये देखे ना बंद है। फिर वो बट समोसे वाली ताज सैन वाले रोड से गुजरता हुआ शिमला पहाड़ी की तरफ जाएगा। जो लंबा हो गया रूट, बहुत लंबा रूट कर दिया पकड़। ये इनकी आपने बात सुन ली है। ये गड़ी शो पे जो ब्लॉक्स लगा के जो रास्ते बंद किए गए हैं, उसकी जो एक हमने आपको एंगल दिखाया है कि अवाम उन्नास कितना परेशान है। दूसरा रुख और दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग सफ़र करते हैं चिंची रक्षों में, रक्षों में, उनमें किरायों में इजाफा हो रहा है, उनको कितना चक्कर पड़ रहा है, ये इन्हीं से जान लेते हैं। आप अभी बता रहे थे कि स्टेशन से आ रहे हैं, ये अगर नहीं था तो चक्कर कम पड़ता था, बहुत शॉर्ट था। ये जब रास्ता बंद नहीं था हम आते थे, हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, क्योंकि हम किराया फिर मुनासिब उस हिसाब से लेते हैं। जिस तरह का सफ़र होता है उस हिसाब से किराया लिया जाता है। जैसे कि अब मुझे अगर कप स्टोर से या शालामार से मुझे क्वीन मैरिज कॉलेज की सवारी मिलती है, अक्सर सुबह के टाइम कॉलेज की लड़कियाँ हमें लेडीज सवारी मिलती है, ये क्वीन मैरिज कॉलेज आना, अगर मैं कप स्टोर में खड़ा हूँ तो मैं उससे कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 200 रुपये लूँगा। वो इसलिए कि अब रास्ता बंद हो गया। जब मैं कप स्टोर से घड़ी शो की तरफ यू टर्न लेता हूँ ना, तो आगे से रास्ता बंद है। आगे जहाँ 10 मिनट का सफ़र है हमें आधा घंटा लग जाता है, अब देखो 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो फिर हम 200 से कम कभी नहीं जाएंगे। तो ये अब आप सवारियों से पैसे ज़्यादा ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल लेंगे, क्योंकि देखो ना 10 मिनट का सफ़र आधे घंटे का हो रहा है, तो वो हम 200 से कम हमें वारा नहीं है, 200 से कम बिल्कुल नहीं वारा खाता। हाँ, अगर ये रास्ता बंद ना होता फिर हम 200 मांगते, 150-100 रुपये भी दे तो हमें वारा खा जाता है। वो इसलिए सीधा हमने कप स्टोर से पुल चढ़ना है तो सीधा करीब लगता है, बिल्कुल शॉर्ट है। अब ये है कि डबल सफ़र लग रहा है हमें, जितना हमने कप स्टोर से गणेशो आना है उससे समझ लगे कि रश की वजह से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से हमें वो सफ़र डबल लग रहा है और हमें 200 से कम वारा नहीं खाएगा। जिस सवारी को आदत पड़ी हो इतने हिस्से की सफ़र करने की, वो जब आप उसे ज़्यादा तकाजा करते हैं, वो कहता नहीं है कि यार अब क्या पेट्रोल भी सस्ता हो गया, अब आप क्यों ज़्यादा मांग रहे हैं भाई? आप ये बताते हैं कि रास्ते बंद हैं। आपकी बात सही है, पेट्रोल सस्ता या महंगा, ये बड़ी गाड़ियां जो चलती हैं ना लाहौर से बाहर, ये वो किराया जब 10 रुपये या 20 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो वो किराया उसी टाइम बढ़ा लेते हैं। आप यकीन करो कितना, तकरीबन 150-200-250 से ज़्यादा कहाँ चला गया पेट्रोल। हमारा किराया वही है, हमारा किराए में कमी पेशी नहीं। लेकिन ये ब्लॉक्स की वजह से बढ़ा दिया आपने?
हाँ ये बुला की वजह से अभी हमने किराया, जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो यहाँ से सफर करते थे अब उनका किराया बढ़ गया। बिल्कुल उसका किराया बढ़ गया। आपको भी फर्क पड़ा है, पहले रश में फंसते थे या अब रश में फंसते हैं? बहुत, अब रश में बहुत फंसते, पहले फंसते थे या अब फंसते? नहीं अब फंस रहे हैं, अब फंस रहे हैं। जब खुला हुआ था सब सही था? उस वक्त बिल्कुल शॉर्ट था। क्यों बंद किया ये मुझे भी नहीं समझ आती क्यों बंद किया, लेकिन अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मियाँ साहब आ रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह हुकूमत पे तवज्जो करेंगे और वो कंट्रोल करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे खुल जाएंगे।